अमेरिकी यात्री विमान में करीब 200 से अधिक यात्रियों पर संकट के बादल तब मंडराने लगे थे जब 1000 फीट की ऊंचाई पर विमान में आग लग गई। इस विमान में करीब 200 से अधिक यात्री सवार थे। अच्छी बात यह रही कि आग की लपटों में घिरे होने के बावजूद विमान सुरक्षित कुछ देर उड़ता रहा और आखिरकार इसकी सेफ लैंडिंग कराई गई। आखिर कैसे हुआ यह हादसा और इस संकट की घड़ी के दौरान लोगों ने क्या महसूस किया, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि शनिवार यानी 20 फरवरी को यूनाइटेड एयरलाइंस की बोइंग 777 विमान ने डेनेवर एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए उड़ान भरा था। विमान जैसे ही करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो इंजन अचानक से फेल हो गया, जिसके बाद इंजन में अचानक से आग लग गई और इंजन के टुकड़े घरों की छतों पर गिरने लगे। इस दौरान विमान के अंदर बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। विमान में मौजूद किसी शख्स ने जलते हुए इंजन का वीडियो बना लिया। वीडियो में इंजन में लगी आग की लपटें साफ साफ दिखाई दे रही हैं और काला धुआं भी उड़ता नजर आ रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग विमान में मौजूद यात्रियों की सुरक्षा की दुआएं मांगने लगे। साथ ही लोग ये जानना चाह रहे थे कि इस विमान हादसे में क्या हुआ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में 231 लोग और 10 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। हादसे के दौरान विमान जब हवा में उड़ रहा था तो आग जलने के बाद इसके कुछ पार्ट्स नीचे एक रिहायशी इलाकों में भी गिरे। इस विमान में सवार एक शख्स डेविड डेलुसिया ने द डेनेवर पोस्ट को बताया कि मैं ईमानदारी से कहूं तो मैंने सोच लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि आग लगने के बाद विमान बहुत तेजी से नीचे की ओर आने लगा था। डेलुसिया ने आगे बताया कि उनकी सौतेली बेटी ने ये वीडियो ऑनलाइन पर डाला था, जिसे किसी और पैसेंजर ने शूट किया था। उन्होंने बताया कि विमान से बाहर का नजारा देखने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब हम नहीं बचेंगे। हालांकि विमान में आग लगते ही पायलट ने फौरन ग्राउंड कंट्रोल को इसकी जानकारी दी और मेडे की कॉल भी दी। दरअसल हवाई यात्रियों में मेडे शब्द का इस्तेमाल आपात परिस्थितियों के लिए किया जाता है। पायलट ने मेडे का कॉल देते हुए तत्काल लैंडिंग की मांग की। वहीं इसी दौरान प्लेन के पुर्जे आसमान के नीचे लोगों के घरों पर गिरे। कई तस्वीरें सामने आई जिनमें विमान के बड़े बड़े हिस्से घरों के बाहर गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों की दूसरी फ्लाइट से भेजने का इंतजाम किया गया। एयरलाइंस के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।